दुश्मन फलक भी दुश्मन से डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप तहसीलों में फास्ट आए और अभी आपको चंद लम्हों के बाद वो रिजल्ट सुनाया जाएगा। हमारे जजेस, क्योंकि हमारे स्कूल से कोई बच्ची हिस्सा तो नहीं ले रही, क्योंकि ना हमारे स्कूल में बच्चे हैं और हमारे स्कूल के बच्चे ने तहसील लेवल में सेकंड पोजीशन ली, इस वजह से वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सका। तो जजेस मेरे स्कूल के ही थे। फीमेल की जो मार्किंग की है वो हमारी फीमेल टीचर्स हैं, उन्होंने मार्किंग की है, वो बेहतरीन जजेस हैं। और इसी तरह मेल की जो मार्किंग की है वो मुसव्वर आदिल साहब, जो अभी थोड़ी देर के बाद बतौर चीफ जज है वो हमारे, और वो लास्ट ईयर भी मेरे इस तरह की कंपटीशन जो हुए थे। तालिबात की भी कुछ किस्मती है कि उनका जो सेरेमनी है उनको जो प्राइज मिलेंगे, मैं स्कूल की तरफ से प्राइज दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बाद में अगर उन्होंने दिए तो ठीक है, अभी जो प्राइज है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा चीज़ के मैं आपको दे सकूँ, तो मैं अपनी तरफ से आपको मेडल भी, जो फर्स्ट आए हैं उनको मेडल और साथ असनाद दी जाएंगी, सेकेंड और थर्ड को सिर्फ असनाद दी जाएंगी। तो मैं इसके साथ ही जनाब मुसव्वर साहब जो चीफ जज हैं हमारे, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और यहाँ पे वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसका अनाउंसमेंट करें। जनाब मुसव्वर आदिल साहब, रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई रिस्पेक्टेड टीचर्स, माई स्टूडेंट्स, यू हैव बीन वेरी वेलकम एट कॉन्वेंट एमसी हाई स्कूल अटक सिटी। कंपटीशन इज गोइंग टू बी एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to announce from female side English competition essay writing. So first position goes to Kaila Adil, English. जवेरिया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भलार जोगी। इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, थैंक यू। सिर्फ 2 मिनट के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस एसे राइटिंग इन इंग्लिश कंपटीशन फ्रॉम गाइड सेक्शन। फर्स्ट पोजीशन गोज टू तजम्मुल फराज। इन दिस कंपटीशन सो फर्स्ट पोजीशन गोज टू तजम्मुल फराज। कंपटीशन पहली पोजीशन हासिल की है दानियार फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हता। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल अटक सिटी। देखो बच्चे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। जो उन्होंने पोजीशन हासिल की है जाहिर है उनकी कंट्रीब्यूशन भी इसमें है, उन सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। स्कूल की असनाद है ये, हर जगह यूज हो सकती है। इसके इंस्पेक्टर का जो सिग्नेचर है वो खाना खाली है,
उस पे आप इंस्ट्रक्टर के कर सकते हैं और रिटन स्पीच आप उसमें लिख के सारा फिल कर सकते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई भी आया तो आपके फोन नंबर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हमारे पास मौजूद है, नाम भी मौजूद है, इंशाल्लाह आपको वो हम दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। जिले में जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड, थर्ड और जिन्होंने हिस्सा लिया, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद, स्पेशली साजा और शिरकत करने वाले तलबा को बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इधर देखें जी, इधर देखें। अब उर्दू की तरफ जाते हैं। फ्रॉम गर्ल्स सेक्शन पहली पोजीशन हासिल की है ईमान नसीब, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अटक सिटी। ईमान नसीब ऐसे बहुत अच्छे बेटे, सामने देखें ना जरा, इधर कैमरे की तरफ देखें। आरफ साहब की अजमा जैनब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 पिटीगेट जी, जी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फोर्ट पिटीगेट जी। बेटा अब इसके जो इवेंट आज का हुआ है उसके बारे में आप जरा कुछ तफसीलात बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवा जैनब है और मैं क्लास 10 से हूँ। मैं तहसील गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खौड़ कंपनी तहसील पिनीगेप से आई हूँ और मैंने उर्दू एस राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मेरी सेकेंड पोजिशन आई है। ये हमारे इदारे का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, हमारी प्रिंसिपल और सबसे बढ़कर नैब जिन्होंने हमें ये मौके फराहम किए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम बहुत खुश हैं। यहाँ के पोजीशन डाउन हुई, सेकंड आई, लेकिन कोई मसला नहीं, इन कोशिश बेहतर होगी। जी बेटे आप ज़रा बताइए आपने कौन सी पोजीशन हासिल की और क्या आप टारगेट हैं? मेरा नाम कायनात आदिल है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खौड़ कंपनी से, जिसकी तहसील पिंडी खेब है, वहाँ से आई हूँ। मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इंग्लिश एस राइटिंग। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजमल फराज है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 फरिश जंग से और ज़िला अटक से बात कर रहा हूँ। मैंने तहसील को भी टॉप किया है और आज ज़िला डिस्ट्रिक्ट को भी टॉप किया है। मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और अब मैं और मेहनत करूँगा और डिवीजन को भी टॉप करूँगा इंशाल्लाह। ये सब मेरी माँ बाप और मेरे साथ की मेहनत है और मेरी माँ बाप की बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं। बेटा आप ज़रा बताएं कि आपने जो वो मेडल हासिल किया उसके लिए कितनी मेहनत की आपने? और मेरा नाम दानियाल है, मैंने साथ काम की मेहनत सबब वो पाया है, शुक्रिया। इसको लतार से मुझे वो ठीक है, कोई आप ने करप्शन से फ्री पाकिस्तान के सिलसिले में पूरे पंजाब में 24 और 25 तारीख को मुनक्किद किए थे, ऐसे रिटन मुकाबले थे, इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह के मुकाबले थे। कल 24 तारीख को तहसील लेवल के मुकाबले हुए और जो तहसीलों में फर्स्ट आए, चूँकि ज़िला अटक की 6 तहसीलें हैं तो 6 गर्ल्स और 6 बॉयज़ फर्स्ट आए, तो उनको आज इस कंपटीशन में शामिल किया गया था। आज हमारी 6 तहसीलों से बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये 6 to 12 तक मुकाबले थे, इसमें बच्चे ओपन थे यानी 6 से लेके 12वीं तक बच्चे इसमें शिरकत कर सकते थे। तो आज की जो तकरीब थी वो इसी हवाले से थी और बच्चों को इसमें करप्शन से फ्री पाकिस्तान का जो मौजू था उस पर हमारे पास टॉपिक थे तो उनको टॉपिक दिया गया, 60 मिनट थे इस ऐसे को लिखने के लिए और इसके 20 नंबर थे, तो इसके मुताबिक हमने मार्किंग की है। तो इस पर मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट
की तहसीलों से आए हुए बच्चे थे और बच्चियां थी, उन्होंने पहली दूसरी तीसरी पोजीशन हासिल की और फिर उसके बाद जो उनको कुछ मेडल्स और कुछ असनाद दी गई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि वो इस अहम तकरीब में शिरकत आए और हमें अब इज्जत बख्शी। तो मैं आखिर में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।